Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 9, exercise 9.1, question number 2nd and 3rd for class 8. Question 2nd which is given, classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial. हमें classify करना है कि कौन से term जो है वो monomial है, कौन से हैं जो binomial है, कौन से हैं वो trinomial है. तीन term वाले को trinomial कहते हैं और कौन सा जो है वो तीनों के category में fit नहीं होता है. Okay. एक एक करके करते मैं यहाँ पे note down कर दी हूँ, monomial के लिए place और binomial, trinomial के लिए सबका place बना दिया. सबसे फर्स्ट में चलते हैं ये वाली पार्ट, x प्लस वाई, इट मीन्स ये बाइनोमियल है, हम x प्लस वाई यहाँ डालेंगे. फिर 1000, ये सिंगल टर्म का है, दैट्स वाई इसमें डालेंगे. फिर 1, 2, 3, 4 है यहाँ, यानी कि ये तीनों में नहीं कैटेगरी में बैठ रहा है, दैट्स वाई x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स टू द पावर 4. नेक्स्ट आ गया, ये 3 टर्म में है, यानी ट्राइनोमियल में जाएंगे, 7 प्लस में y प्लस में 5. नेक्स्ट है हमारा ये 2 टर्म का, दैट्स वाई ये इसमें जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारा अगेन 3 टर्म के लिए है, यानी कि ट्राइनोमियल में जाएंगे, 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस में 4y क्यूब. अब आगे ये है हमारा अगेन ट्राइनोमियल, 5x माइनस 4y प्लस में 3xy. ओके, देन ये बाइनोमियल 4z माइनस 15z स्क्वायर, 1, 2, 3, 4. ये फिर अगेन आ जाएगा कि जो कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए. ये आ गया सिंगल टर्म, इट मीन्स पी क्यू आर. ओके, और ये आ गया 2 टर्म, यानी बाइनोमियल विच इज पी स्क्वायर क्यू प्लस में पी क्यू स्क्वायर, अगेन बाइनोमियल विच इज 2p प्लस में 2q. इस तरीका से हमने सबको फाइंड कर लिया. ऐसे अगर पहले बना देते हो, 1 by 1 करके लेते हो, तो सॉल्यूशन काफी आसान है. क्वेश्चन नंबर 3 विच इज एड द फॉलोइंग, हमें ऐड करना है. एक एक पार्ट करके मैं सॉल्यूशन करती हूँ. फर्स्ट पार्ट, ओके, विच इज ए बी माइनस बी सी, कॉमा के जगह पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट पुट करते हैं और प्लस डालते हैं, बी सी माइनस सी ए, कॉमा के प्लेस पे फिर से प्लस का साइन, दैट सी ए माइनस ए. अब ब्रैकेट को क्या करेंगे कि ब्रेक करेंगे, यानी ए बी माइनस बी सी प्लस माइनस प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस माइनस प्लस सी ए प्लस माइनस माइनस ए बी. अब चेक करते हैं, अब यहाँ ए ए बी जो है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, बट इनकी साइन जो है वो पॉजिटिव है और इनकी नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल. फिर अगेन अब बी सी, यहाँ पे अब बी सी जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो गया. सिमिलरली ये भी कैंसिल हो गया, आंसर विच इज 0. सेकेंड पार्ट विच इज ए माइनस बी प्लस में ए बी ब्रैकेट प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी. नेक्स्ट स्टेप, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस माइनस प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी. अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा. ये हो गया इसके साथ कैंसिल, ये बी हो गया इसके साथ कैंसिल और सी हो गया कैंसिल, बचा क्या ए बी बी बच गया हमारे पास. इसका बी एक माइनस यहाँ और ये 2 भी कहाँ से आ गए, ये प्लस बी और माइनस बी, ओ ये माइनस बी ए प्लस बी सी, यहाँ पे जो था वो प्लस बी सी थे, बी सी इस बी के साथ ये वाला कैंसिल. हमारे पास जो बचा वो बचा ए बी एंड प्लस में बी सी एंड प्लस में ए सी, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर. नेक्स्ट पार्ट,
विच इज 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, और प्लस है दैट्स वाई ब्रैकेट ना भी दे तो काम चल जाएगा, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। सेम टर्म वाले दोनों क्या होंगे, सेम टर्म वाले जो होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होते हैं, तो हम सेम टर्म नहीं लाइक टर्म, लाइक टर्म को हम अरेंज करें 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये दोनों जो है वो लाइक टर्म है दैट्स वाई से भी अरेंज करेंगे 3pq प्लस 7pq एंड प्लस में 4 प्लस 5 9 हो गए, इन्हें प्लस माइनस माइनस करेंगे बट नेगेटिव साइन जो है वो ग्रेटर के साथ है दैट्स वाई 1 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 आता है माइनस करने पर, तो बट 1 लिखी नहीं जाती है। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा बट ग्रेटर जो है वो ये प्लस के साइन में है दैट्स वाई प्लस हो गया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट विच इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, प्लस मैं प्लस प्लस देते चली जाती हूँ कि जब प्लस होते हैं ना एडिशन करना होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते हैं क्योंकि प्लस के साथ वो ऑलवेज, और अगर नेगेटिव हो तो हमें श्योर ब्रैकेट में डालना चाहिए ताकि हम साइन को चेंज कर पाए। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन एंड प्लस में 2nl। अब यहाँ पे ये l स्क्वायर 2nl यहाँ पे स्क्वायर होता दैट्स व्हाई। ओके नेक्स्ट टाइम, अब ये l है दो बार यानी कि ये हो गया l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर, अगेन ये भी टू टाइम्स है एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, टू टाइम्स एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ओके और ये सारा ऑलरेडी में है 2l m प्लस 2m n प्लस 2n l। अब यहाँ एक चीज क्या है, जब हम प्लस कर ले पहले 2l स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में 2l m प्लस 2m n प्लस में 2n l। अब सब में 2 कॉमन है ना, कॉमन को हम बाहर ले लेंगे यानी 2 और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l m प्लस m n प्लस में n l n। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।